Hi everyone, today we will discuss about the pH value of the solution. और बेटा हम लोग आज क्या करेंगे कि जो salt solution हम create कर रहे हैं उसका pH value कितना होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे define करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है, theoretical form में, ठीक है। तो देखिए अपनी heading क्या होगी, pH value ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। इन दिस केस देयर आर थ्री मेजर क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, तीन ही आपको पढ़ना है, तीन ही केस हैं, ठीक है, जो मेन है। तो पहला केस हम आपको बता दे रहे हैं, पहले केस में क्या हो जाएगा बेटा। अब पहले केस के लिए आपको देखना पड़ेगा हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्रिएट करने में हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमारे पास जो एसिड और बेस दोनों हैं और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। सो वी कैन राइट दिस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट गिव दैट न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका बेस है वो भी स्ट्रांग है और एसिड भी स्ट्रांग है, तो ये आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। एग्जांपल हम देख दे रहे हैं, एग्जांपल में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट गिव दैट सॉल्ट NaCl एंड वाटर। ठीक है, ये आपका वाटर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पीएच वैल्यू 7 हो गया बेटा, ये पहला केस है। सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड, सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, एसिड स्ट्रांग ले लेंगे और बेस वीक ले ले रहे हैं। तो स्ट्रांग एसिड एंड बेस क्या रहेगा, वीक रहेगा, वीक बेस, ठीक है। अब जब स्ट्रांग एसिड है और बेस वीक है तो अब आपका क्या सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ठीक है, और एसिडिक हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7 से कम हो जाएगी। सो द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिड रहेगा। जब आप क्या लोगे,
एसिड स्ट्रांग लोगे और बेस कैसा लेंगे, वीक लेंगे, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो इसका मतलब जो इसकी पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7 होगी, पीएच लेस देन 7। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और हम एक वीक बेस ले ले रहे हैं, वीक बेस क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा। और जो आपका सॉल्यूशन प्रोडक्ट क्रिएट होगा ये आपका सॉल्ट और वाटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड इट इज़ अ स्ट्रांग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस NH4OH एंड इट गिव दैट सॉल्ट NH4Cl, सॉल्ट हो गया एंड वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, ये हो गया बेटा। एंड द थर्ड केस, एक केस और है, थर्ड केस में क्या होगा, अब हम लोग बेटा क्या ले लेंगे, अब क्या अपोजिट कर देंगे सेकंड केस का। सेकंड केस में क्या था, स्ट्रांग एसिड था तो हम यहाँ वीक एसिड ले लेंगे। ठीक है, और बेस वहाँ वीक था, यहाँ बेस क्या रहेगा, स्ट्रांग ले लेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा। सो वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस इट गिव दैट बेसिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सपोज हम क्या क्या ले ले रहे हैं, चलिए पहले इसको लिख देते हैं लैंग्वेज में, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कब होगा, जब बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा, तब बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम ले ले रहे हैं, सॉरी एक बात और इसमें है, जो इसकी पीएच वैल्यू होगी, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वी कैन से दैट पीएच मोर देन 7। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल में ले ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रांग बेस, प्लस कार्बोनिक एसिड ले ले रहे हैं F2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड है। देन रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद आपके क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सॉल्ट एंड वाटर। बैलेंस नहीं है बेटा, आप बैलेंस कर दीजिए, 1Na 2Na 2Na कर दीजिए, आप काउंट कर लीजिए 2Na 2Na 1C 1C 3 ऑक्सीजन 2 5 ऑक्सीजन 3 3 और 1 4 है, तो इसको भी 5 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 सॉरी
सॉरी टू हाइड्रोजन, नहीं 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 ठीक है बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू हाइड्रोजन एंड टू फोर हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ आप टू कर देते हैं, फोर कर देंगे, टू एंड टू फोर, टू टू जा फोर, ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, थ्री टू फाइव ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन एंड थ्री टू फाइव ऑक्सीजन, तो बेटा अब ये बैलेंस हो गया ठीक है। बस आपको सोडियम के आगे दो लगाना पड़ेगा और वाटर के आगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।